पंचकुला के मोरनी रोड पर सोमवार रात एक युवक की सिर पर रोड मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद आरोपी पुलिस को देख मौके से फरार हो गए थे। हत्या के इस मामले में अब पंचकुला चंडी मंदिर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गुरविंदर और जसपाल के रूप में हुई है। ये दोनों आरोपी पंजाब के डेराबसी के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को आज पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया और आरोपियों का एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल की गई रोड को बरामद करना अभी बाकी है। पंचकुला चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कंबोज ने बताया कि मृतक राजीव सैनी ने आरोपी गुरविंदर को करीब 5.5 लाख रुपए दिए थे और पैसे वापस मांगे जाने पर आरोपी गुरविंदर ने अपने दोस्त जसपाल के साथ मिलकर राजीव के सिर पर रोड मारकर हत्या कर दी थी। इसमें से हमने अपना रात को कल दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, एक गुरविंदर है एक जसपाल है, और एक थे आज कल अरेस्ट करके इनको आज पेश किया है, इनको एक दिन का पुलिस रिमांड लिया है। तो बाकी क्या साजिश क्या थी, क्या साजिश अभी तक तो यही पता लगा है कि इसमें जो गुरविंदर नाम का व्यक्ति है कुछ इसने पैसे लिए हुए थे और कुछ आगे पैसे इसने दिलवाए हुए थे किसी व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पे। तो इसी मन को ये अपना प्रेशर मान के बार बार इसके पैसे मांगता था, तो इस उसमें इसने ये किया सब कुछ। तो कैसे प्लान किया गया पंजाब से यहाँ हरियाणा तक लाना? ये अपना इसके अपने साथी को एक लेके आया जसपाल को साथ में, इन्होंने वहाँ से रोड भी ली, एक रोड अपना रोड लेके फिर ये रास्ते से होते हुए मोरनिटी पॉइंट से फॉरेस्ट नाके से आगे होते हुए इन्होंने वहाँ बैठ के अपना खाया पिया भी है और उसके बाद फिर इन्होंने इसकी हत्या कर दी रोड से। तो सर ये भी बात निकल के आ रही थी कि दो गाड़ियों में आए थे, क्या अभी ये क्लियर हो पाया? नहीं, अभी गाड़ी तो एक ही थी, दो गाड़ियों की बात अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी रिमांड पे वो भी क्लियर कर लेंगे। बता दें कि पंचकुला के चंडी मंदिर थाना के अंतर्गत पड़ते मोरनी रोड पर सोमवार देर रात पंजाब के डेराबसी के रहने वाले राजीव सैनी की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान वहां पर गश्त कर रही पुलिस टीम पर भागते हुए आरोपियों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद थोड़ी ही दूरी पर आरोपियों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए थे। पंजाब के सीटीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।